सतना सांसद गणेश सिंह ने एक बार फिर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मां शारदा के दर्शन किए। दर्शन के बाद सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित सतना जिले की जनता का आभार प्रकट किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें सतना सीट से 4 बार के सांसद गणेश सिंह पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। टिकट मिलने के बाद सतना सांसद गणेश सिंह मैहर पहुंचे, जहां त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दरबार में माथा टेका और अपनी जीत के लिए मनोकामनाएं की। इस दौरान सांसद गणेश सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेतृत्व व सतना की जनता का आभार व्यक्त करते हुए जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव भारी बहुमत के साथ देश की जनता उनके साथ खड़ी है और वो जीत करके जाएंगे और देश के तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत के लोकतंत्र में देखने को मिला है कि किसी नेता के प्रति 140 करोड़ का विश्वास पूरी तरह से टिका हुआ है। आने वाले समय में देश को वो दुनिया का सबसे ताकतवर और मजबूत देश बनाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था पहले 11 नंबर पर थी, आज वो 5वें नंबर पर आ गई और इस बार के चुनाव के बाद वो देश दुनिया के वो 3रे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी का और देशवासी उनके साथ हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।